हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिसे आप कल के लिए अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। साथ ही में हम लोग हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल के लिए मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है बजाज इलेक्ट्रिक। इसके अंदर ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जोन है इसके लिए पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिला, फिर ये रीटेस्ट लिया और उसके बाद कंटिन्यूअस फॉल भी होते हुए नजर आया। तो अब यही जोन इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसको ये बार बार तोड़ने का ट्राई करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में कल अगर इसका ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो टूटते हुए हम लोग को दिखता है तो हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 1090 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1100 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1086 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। वहीं पर अगर ये नीचे की साइड में अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 1060 पर। हमारा टारगेट रहेगा 1050 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1064 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। कल के लिए ट्रेडर्स मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है एससीएल टेक। एससीएल टेक में ट्रेडर्स बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनते हुए हम लोग को नजर आ रहा है, तो ऐसे में इसमें हम लोग को कल एक बहुत ही अच्छा खासा इंट्राडे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसे बाई करेंगे 921.5 पर। हमारा टारगेट रहेगा 930 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 918 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.7। वहीं पर अगर ये फिर से इसी जोन पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे साइड का मोमेंटम देता है तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 912 पर। हमारा टारगेट रहेगा 904 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 916 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। और कल के लिए ट्रेडर्स मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है कोचिन सिप। कोचिन सिप में ट्रेडर्स हम लोग को फिर से एक बार पेनेंट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में कल इसमें हम लोग को आइदर साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये अपने इस पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देता है अपसाइड में अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए तो हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 426 पर। हमारा टारगेट रहेगा 432 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 423.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। और अगर ये नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देता है अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए तो हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 418.5 पर। हमारा टारगेट रहेगा 414 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 420.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। और कल के लिए ट्रेडर्स मेरा चौथा इंट्राडे स्टॉक है चोला फिन। इसके अंदर ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का ट्राई कर रहा है, तो कल अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसे बाई कर सकते हैं 724 पर। हमारा टारगेट रहेगा 732 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 721 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.7। वहीं पर अगर ये नीचे की साइड में अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोग को एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। हम लोग इसे सेल करेंगे 715 पर। हमारा टारगेट रहेगा 708 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 718.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। और कल के लिए ट्रेडर्स मेरा आखिरी इंट्राडे स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में ट्रेडर्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बार बार इसी जोन पर आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऐसे में कल अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है तो हम लोग को एक और शानदार मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर। और जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि दो दिन से निफ्टी आईटी ग्रीन ही बंद हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि कल भी जो आईटी के स्टॉक्स है उसके अंदर हम लोग को शानदार मोमेंटम मिलते हुए नजर आए। तो अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसे बाई करेंगे 3030 के जस्ट ऊपर और हमारा टारगेट रहेगा 3050 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 3023 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और साथ ही में इसी तरह का एक और सिमिलर पैटर्न हम लोग को SBI कार्ड में भी बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार आकर के इसी जोन पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ऐसे में अगर कल ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसको भी बाई कर सकते हैं 912 पर। हमारा टारगेट रहेगा 920 के अराउंड में और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 909 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1:3। तो ट्रेडर्स SBI कार्ड और TCS में मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल्स लिख करके नहीं दिया है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन से लेवल पर हम लोग को बाई करना है और हमारा टारगेट कहाँ पर होना चाहिए। तो ट्रेडर्स इन सारे स्टॉक्स को आप लोग अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं कल के इंट्राडे सेशन के लिए,
और साथ ही में ये सारे इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आप लोगों को आज के इंट्राडे सेशन के लिए प्रोवाइड किया था। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज इन सारे स्टॉक्स के अंदर कोई भी इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था, और अगर आपका किसी स्टॉक के अंदर SL हिट हो गया है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और साथ ही में टारगेट अचीव हुआ है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और ट्रेडर्स, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कमेंट किया कीजिए, इससे थोड़ी सी वीडियो की रीच भी बढ़ जाएगी और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे इंट्राडे स्टॉक्स खोज करके लाया करूं। तो आइए अब देख लेते हैं कि इन सारे स्टॉक्स ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो आज के लिए ट्रेडर्स, मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था वोल्टास। वोल्टास में ट्रेडर्स हम लोग को बहुत ही शानदार पेनेंट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं ये आज ओपन हुआ था और उसके बाद इसके अंदर शानदार मोमेंटम हम लोग को मिलते हुए नजर आया है। उसके बाद दोबारा ये फिर से अपने उसी लेवल्स पर रीटेस्ट करने के लिए आया और फिर से इसके अंदर हम लोग को एक शानदार मोमेंटम मिलते हुए नजर आया। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसके अंदर आज कोई भी इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि आज मैंने इंट्राडे ट्रेड नहीं किया है क्योंकि लाइव मार्केट में मैं आज एक्टिव नहीं था कुछ पर्सनल रीजंस के कारण। तो ऐसे में अब आपकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे किस स्टॉक्स में आप लोगों ने टारगेट अचीव किया है और किस में आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और ट्रेडर्स, आज के लिए मेरा दूसरा इंट्राडे स्टॉक था HDFC बैंक। इसके अंदर ट्रेडर्स, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए हैं दोनों के दोनों साइड में। हम लोग देख सकते हैं बाई साइड में हमारा टारगेट था 1440 का और ये एग्जैक्टली 1440 का जाकर के हाई बनाया है। साथ ही में नीचे की साइड में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार जाकर के इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा था और जैसे ही हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, हमारा टारगेट था इसके अंदर 1412 का और हम लोग देख सकते हैं ये जाकर के लो बनाया है 1407 के अराउंड में। तो HDFC बैंक ट्रेडर्स आज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा। आई होप आप सभी लोगों ने इसके अंदर दोनों साइड में अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर ही बुक किया होगा। और ट्रेडर्स, आज के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक था टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में भी ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन टूटता है तो इसके अंदर बहुत ही शानदार बाइंग हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, वहीं आज देखने के लिए भी मिला। हम लोग को इसे बाई करना था 786 पर, हमारा टारगेट था इसके अंदर 792 और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि पहली ही बार में ये जाकर के हाई बनाया है अप्रॉक्सीमेटली 795 के अराउंड में। तो आई होप ट्रेडर्स, टाटा कंज्यूमर के अंदर आप सभी लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। और आज के लिए ट्रेडर्स, मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसके अंदर ट्रेडर्स, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये जो जोन है वो इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग डिमांड जोन है और साथ ही में कल हम लोग को इसके लास्ट आधा घंटा में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग भी होते हुए नजर आया था। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर ये 2680 के लेवल्स को तोड़ता है तो हम लोग को इजीली इसमें 2700 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है और हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद ये जाकर के हाई बनाया 2710 के अराउंड में। तो आई होप इसके अंदर भी आप सभी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। और साथ ही में मेरा अगला इंट्राडे स्टॉक था बर्जर पेंट। इसके अंदर ट्रेडर्स, आज हम लोग को कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने का मौका नहीं मिला है। हम लोग देख सकते हैं कि ये आज भी अपने आप को इसी रिक्टैंगल पैटर्न के बीच में एक्युमुलेट कर रहा है। तो आप लोग इसे कल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करके रख सकते हैं। किसी भी साइड में अगर आप लोगों को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा तो आप इसके अंदर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और आज के लिए ट्रेडर्स, मेरा आखिरी इंट्राडे स्टॉक था सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर भी ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने बात किया था, वैसा ही हम लोग को देखने के लिए भी मिला है। यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, हालांकि ये हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाया और हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्राफ में कि एक सेकंड के लिए ये 902 को भी हिट कर गया था और उसके बाद फिर से नीचे साइड का मूवमेंट दिया। तो इसीलिए सन फार्मा आज हमारे लिए एक लूजिंग इंट्राडे ट्रेड रहा। तो ट्रेडर्स, आप सभी लोग बताइएगा कि आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगती है। अगर बात करें आज के ओवरऑल रिजल्ट का तो आज लगभग 4 इंट्राडे स्टॉक्स में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। HDFC बैंक के अंदर हम लोगों ने दोनों साइड में प्रॉफिट बुक किया है और साथ ही में एक इंट्राडे स्टॉक में हम लोगों का कोई भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ और एक में हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो पिछले 3 दिन से हम लोगों का हर एक स्टॉक में टारगेट अचीव हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्यूरेसी पसंद आ रही होगी। और ट्रेडर्स, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स खोज करके लाने में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में आप लोगों के लिए एक और न्यूज है, मैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में एक नई स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ इंडिकेटर्स का यूज करने वाला हूँ जिससे हम लोगों को प्रॉपर पता चल जाएगा कि हम लोगों को कहाँ पर जाकर के टारगेट लेना है और कितनी देर उस ट्रेड में बने रहना है। तो जैसे ही मेरा 2000 सब्सक्राइबर्स आप लोग कंप्लीट करवा देते हैं उसी दिन मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आई होप इसके लिए हम लोग को लगभग एक आध हफ्ता अभी टाइम लग जाएगा, तब तक मैं अपने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखने वाला हूँ
कि उसके अंदर हम लोगों की जो एक्यूरेसी है वो कितनी रहती है, और जब कम्प्लीटली बैक टेस्ट से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूंगा। और ट्रेडर्स, मैं अभी ही बता दे रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो कम्प्लीटली न्यू है, ये आपको कहीं भी किसी भी बुक में या फिर यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप लोग जितनी जल्दी 2000 सब्सक्राइबर्स करवा देंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए वो स्ट्रैटेजी लेकर के आ जाऊंगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।